तो कैसे हैं दोस्त, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ निज़ामुद्दीन अली और आप देख रहे हैं ARP प्रेजेंट। तो आज हम सीखने वाले हैं एक चकरी का डिजाइन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यह एक चकरी का न्यू डिजाइन है जिसे अभी अभी हाल ही में इसे ड्राइंग किया गया है, और इसे ड्राइंग किया है निज़ामुद्दीन अली ARPOP डिजाइन ने, और 3D आर्ट का रूप दिया है सलीम खान लक्की इंटीरियर हैदराबाद से। ठीक है, तो ये अभी कहीं अवेलेबल नहीं है, और इस डिजाइन को आपको डाउनलोड करना है तो पिंटरेस्ट पे जाइए और सलीम खान POP सर्च करके, और वहां से आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ ये वीडियो भी आप देख सकते हैं और डिजाइन को आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस डिजाइन की ड्रॉइंग करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इसको मार्किंग करेंगे। तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर रूम का साइज रखते हैं, ठीक है, और जितना आपको दीवार से ये गली छोड़ना होगा, जितने में बनाना होगा आपको, ठीक है, उतना गली छोड़ के, ठीक है, और इसका हम मार्किंग करेंगे। कैसे करेंगे, इसका और इसका हम एक सेंटर निकाल के इस पर हम एक सर्कल घुमाएंगे। अब जितनी ये गली रहेगी इतना यहां भी रखेंगे। और उतना ही एक हम बीच में रिंग रख देंगे, ठीक है, देख लीजिए ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसको घुमाना कैसे है, जो पहला पॉइंट है इस कोने पर रखना है और इस पे मिलाना है, ठीक है, देखिए, और ऐसे हम मार्किंग कर देंगे। ठीक है, तो चारों पे ऐसे ही कर लेंगे। ये आपका हो गया। अब उसके बाद जितना ये चौड़ा गली है उतना ही चौड़ा इसको भी रखेंगे, यहां से मार्किंग करेंगे। ठीक है, और उसको सिर्फ यहीं तक रखना है। ठीक है, इसको यहीं तक मार्किंग करना है और ये कॉर्नर यहां पे बन जाएगा। ठीक, तो देखिए दोस्त, डिजाइन हो गया हमारा तैयार। तो मैंने आपको हर चीज बेहतर तरीके से आपको इसमें समझा दिया, और यह एक नया डिजाइन है, तो आप कोशिश करिए इसको बनाने के लिए। ठीक है, ये जो गली है और ये जो गली है ये सेम साइज है, आप इसको पूरा सेम साइज में रख करके बना सकते हैं इनसाइड फॉल सीलिंग में। ठीक है, तो देखिए इसमें एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये स्क्वायर साइज में बना हुआ है। ठीक है, 10x10 का या 12x12 का या 8x8 में भी आसानी से बना सकते हैं, जितना आपका जैसा रूम रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये 4 से 6 इंच के बीच में ये गली आपकी बनेगी। ठीक है, तो बेहतर है 6 इंच की गली और 4 इंच का भी गली अच्छा रहता है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डिजाइन कैसा लगा और मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए कि मेरा जो भी वीडियो होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।